Good morning class. This is class 4 math for class 10th. Here we are going to continue this chapter linear equation in two variable. In the previous session I just said to you about the simultaneous equation and the condition of equations. Okay. Now come to the solution exercise 3.1 and solve the question. Okay. Let's see the exercise. This is exercise 3.1. Let's see the question number 3rd of exercise 3.1. The third is the solve graphically the system of equation. And आपको graphically इस दो भी simultaneous equation system दे तो उसको solve करना होगा. आपका equation क्या है? First equation is 4x minus 5y minus 20 is equal to 0. The second equation is 3x plus 5y minus 15 equal to 0. And find the coordinate of the vertices, okay, of the triangle formed by these two line and y-axis. तो इन दो लाइन से बेटा y-axis पे आपके कुछ ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे, तो आपको उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. बेटा क्या करोगे, यहाँ पर आपका इक्वेशन दिया है 4x minus 5y equal minus 20 equal to 0. तो इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4x minus 5y equal to 20. तो इधर जाएगा तो राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. अगर बेटा 5y है तो अगर हम 5y को राइट साइड 20 को लेफ्ट साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 5y equal to 4x minus 20 एंड देन y equal to 4x minus 20 by 5. ओके, हेयर बेटा यहाँ पे हमको क्या करना है, जब ग्राफिकली हम क्या करेंगे तो उसको हम इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं. बेटा जो आपका ये होता है x, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जब इस टाइम कन्वर्ट करेंगे, एंड दिस y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है. तो यहाँ पर तो x की वैल्यू हम बेटा खुद से एज्यूम करके रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगा. तो और सिमिलरली बेटा ये भी हमने चेंज किया, दिस इज द 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, देन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15. 15 आपका राइट साइड गया. अगेन 5y इज इक्वल टू ये 3x बेटा राइट साइड जाएगा, तो 15 माइनस 3x यहाँ प्लस 3x, सो माइनस 3x, देन y इज इक्वल टू 15 माइनस 3x अपॉन 5. ओके, अब यहाँ पे x आपका दोनों इंडिपेंडेंट वैल्यू, बेटा आपको x वैल्यू खुद से लेना है. अब बेटा जब भी आप वैल्यू लेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी अगर वैल्यू रखोगे इस इक्वेशन में तो आपको होल नंबर ही मिल तो ज़्यादा बेटर है. ओके, डेसिमल नंबर या डेसिमल आपको नहीं मिलना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखते बेटा. हम मान लेते हैं यहाँ पे एस इज इक्वल टू, अगर बेटा हम क्या रखें, अगर बेटा हम यहाँ पे एस इज इक्वल टू 0 रखते हैं देखो, तो आपको वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 20 बाई 5 मिलेगा, जिस टर्म इज ऑल्सो 0, तो माइनस 20 बाई 5 बेटा ओके माइनस 4. एस इज इक्वल टू जब आप 0 लोगे तो वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस 4. ओके, अब बेटा अब क्या यहाँ पे कब होल वैल्यू मिलेगी आपकी, अब देख लोगे जब बेटा एस इक्वल टू 5 लोगे तो 5 हो जाएगा. आप देखोगे तो 4 माइनस 4 इंटू 5 दैट इज 20, 20 माइनस 20 इज 0. ओके, वेन एवर यू टेकिंग एस इज इक्वल टू 5 तो यू गेट वाई इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के लिए. अब देर से इस इक्वेशन के लिए भी देखेंगे. अब बेटा जब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा. x इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू हमको कितना मिला, 3. अब बेटा अगर x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 लेंगे तो y इक्वल टू मेरे कितना मिल जाएगा, 0, क्योंकि 5 से 15, 15 माइनस 15 करिए 0 बाई 5 इज 0. ओके, आपको दो पॉइंट मिल गए, आप दो पॉइंट से काम कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो. तो यूज अ ग्राफेट पर या अदरवाइज वी जस्ट टेक द लाइंस. इसे बेटा हम कोऑर्डिनेट बना लेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 एंड वाई एक्स एक्सिस नेगेटिव है. यहाँ पे इस साइड राइट लेफ्ट साइड जाएगा तो -1 -2 के, दिस इज द आपका ओरिजिन 0 है. सिमिलरली वाई के लिए 1 2 3 4 ये पॉजिटिव है, माइनस नेगेटिव है. अब बेटा अब यहाँ पे हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उस पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर देंगे. बेटा फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, 0 -4, क्या है 0 माइनस, एक्स के लिए 0 है और वाई के लिए -4. तो एक्स के लिए 0 बेटा ये है और वाई के लिए -4 ये है. तो आपको पहला पॉइंट मिला है यहाँ पे, जिसे आप फाइन यहाँ लिख दीजिए 0, -4. एंड सेकेंड पॉइंट इज एक्स पे 5 है और वाई पे कितना है बेटा, 0. तो वाई पे 0 तो ये यहीं पे रहेगा, एक्स पे 5 है तो यहाँ पे. दूसरा पॉइंट आपको ये मिला, दिस इज द
5, 0 बेटा इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। सेकंड बेटा आप यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए पहले इसके इस तरह से देखो बेटा हमने ज्वाइन कर दिया हमको ये पॉइंट मिला। अब दूसरा पॉइंट देखो एक्स पे 0 एंड वाई पे 3 तो एक्स पे 0 पे यहाँ रहेगा वाई पे 3 बेटा ये ओके इसी तरह 0 एंड 3 आप यहाँ लिख दोगे पॉइंट 0, 3 एंड बेटा एक्स पे 5 है वाई पे 0 है तो बेटा ये दूसरा पॉइंट ये है एक्स पे 5 है वाई पे 0 तो बेटा इन दोनों पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर दोगे। बेटा ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया अब आपको मिल रही है दोनों लाइन ये लाइन 1 है आपका L1 दिस इज लाइन 2 L2 ये दोनों लाइन बेटा जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द लाइन। बेटा आप यहाँ देखो कि 5, 0 पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो बेटा ये 5, 0 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन ओके ये आपका सोल्यूशन। अब बेटा यहाँ पे ये भी लिखा है क्वेश्चन में फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ओके फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइन तो दीज टू लाइन से बेटा ऑन वाई एक्सिस पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है तो आप देखोगे ए अगर ए बी सी तो बेटा ए बी सी आपका ट्रायंगल है तो आप इस ट्रायंगल की वर्टिसेस के क्या है तो आप लिख लेंगे पहला मान लीजिए 0, -4 पॉइंट ए बी क्या है 5, 0 एंड सी इज 0, 3 दिस इज द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइन ऑन द वाई एक्सिस ओके दिस इज योर सॉल्यूशन। चलो यू कैन ड्रॉ द अंदर क्वेश्चन लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आपका दो इक्वेशन है 2x + 4y = 10 एंड 3x + 6y = 12 तो बेटा इसके हैज नो सॉल्यूशन तो इसको आपको शो करना है तो आप कैसे शो करोगे बेटा इनसे दो लाइन जो भी ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो आपको अगर नो सॉल्यूशन है मतलब कि दोनों लाइन इससे को पैलर है कहीं भी कट इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ओके तो उसका अगर लाइन मुझे पैलर मिल जाएगी तो दैट इज बाय दैट द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन ओके लेट्स सी हाउ टू सॉल्व ओके बेटा दिस इज योर इक्वेशन है बेटा आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 4y = हो जाएगा 10 - 2x एंड y = 10 - 2x / 4 बेटा यहाँ पे देखोगे आप 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 5 - 10 - 2x तो 2 आपको बाहर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा डिवाइड करके 2 से तो ये 5 हो जाएगा ये -x हो जाएगा हाँ तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो 5 - x / 2 ये आपको सॉल्व करने के लिए इजी होगा अगर नहीं चाहते तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए हाँ तो यहाँ पे बेटा यही होगा तो 12 - 3x एंड y = 12 - 3x / 6 अब बेटा यहाँ भी 3 कॉमन ले सकते हो तो 3 4 = 12 एंड -3x हो जाए 3 कॉमन लेंगे बाहर तो यहाँ पे 3 2 = 6 तो 4x - 2 हो गया ये आपको दो इक्वेशन मिल गए। अब बेटा आप x आपका इंडिपेंडेंट है वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप वैल्यू कुछ रखते जाइए आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अगर बेटा हम यहाँ पे x = बेटा 1 रखें ओके x = हम 1 रखते हैं तो y = हमको कितना मिलता है 5 - 1 डेट इज 4 4 / 2 इज तो आपको कितना मिलेगा 2। अगर x = 2 मिलेंगे तो यहाँ 3 / 2 मिलेगा तो मुझे फ्रेश डेसिमल नहीं चाहिए। अगर x = बेटा हम यहाँ पे 3 लेंगे तो y = मुझे कितना मिलेगा 1 ओके दो पॉइंट इज सफिशेंट। इस इधर भी बेटा देखेंगे हम x = 1 लेंगे तो मुझे डेसिमल मिलेगा हम नहीं लेंगे x = 2 रखेंगे बेटा तो 4 - 2 = 2 2 / 2 = 1 तो x = जब हमने 2 लिखा तो हमको कितना मिला y = 1। सिमिलरली x = हम जब 4 लेंगे तो y का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा बेटा 0 ओके सॉरी x = 4 तो y = आपको कितना मिलेगा 0 बेटा। अब ये दोनों पॉइंट आपको लाइन पे ड्रॉ कर दोगे अब देखोगे वो लाइन्स पैलर होंगी अगर ये लाइन पैलर होंगी तो दैट इज ये लाइन में आपका नो सॉल्यूशन मिलेगा बेटा। हम इसके अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे बेटा फर्स्ट लाइन मेरा क्या है x जब 1 ले रहे हैं तो y = 2 x मेरा 1 है तो y = 2 ये आपका 1 पहला पॉइंट हुआ 1, 2 और जैसा x = जब हम 3 ले रहे हैं तो y = जब हमको कितना मिला 1 तो ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ 3, 1। आप यहाँ पे ड्रॉ कर लाइन ज्वाइन कर देंगे तो इसको अब हम ज्वाइन कर देते हैं। अब बेटा x = जब हम 2 लेंगे तो y = हमको कितना मिल रहा है 1 तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिला x = 2 एंड y = 1। जब बेटा x = 4 लेंगे तो y = हमको 0 मिलेगा तो यहाँ पे ये सॉरी ये पॉइंट हमने लाइन गड़बड़ खींच दी ऐसे जाएगा ओके जब तो आपको यहाँ एक लाइन मिला तो दैट इज द 4, 0 एंड 2, 1।
बट आप इससे ज्वाइन कर देंगे लाइन, आपको ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है, ओके। अगर पैरेलल दिख रही है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कहीं दूसरे को टच नहीं करेगी, तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। आपको दिखाएंगे तो लिखेंगे क्या बेटा, दिस टू लाइन आर पैरेलल सो दैट हैज़ नो सॉल्यूशन, ओके। एंड सॉल्व द क्वेश्चन, आस्क द प्रॉब्लम इफ यू हैव एनी। थैंक यू।